जी हाँ, ये कंपनी दे रही है आपको अमेजन प्राइम की फ्री मेंबरशिप और हॉटस्टार वीआईपी का फ्री मेंबरशिप। अगर ये दोनों अभी लॉकडाउन में मिल जाए तो कमाल हो जाए, है ना? कमाल। बस आज की इस वीडियो को आप देखते रहे। आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों की मेंबरशिप फ्री में दिलवाने वाला हूँ, बिल्कुल फेक नहीं है, ठीक है? पूरा वीडियो देखे जाइए, खुद पता चल जाएगा। बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। बस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री में, वो एयरटेल की तरफ से मिल रहा है। अगर आप अमेजन प्राइम का फ्री सब्सक्रिप्शन खरीदने जाओ तो आपको पड़ेगा करीबन 129 रुपए, ठीक है, अगर आप अमेजन प्राइम से खरीदते हो डायरेक्टली तो। और यहाँ पे आपको एयरटेल क्या कर रहा है कि उसी प्लान को बस वो अपने कुछ पैसे बढ़ाकर यहाँ पे 349 में आपको 2 GB per day 28 दिन के लिए और 28 दिन का अमेजन प्राइम फ्री मेंबरशिप आपको यहाँ पे दे रहा है। तो हुआ ना बेनिफिट वाला बात, मतलब आप अगर आप 129 की जगह 349 दे रहे हो और वहाँ पे आपको 2 GB per day नेट भी मिल रहा है और 28 दिन के लिए अमेजन प्राइम का मेंबरशिप भी प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS भी मिलेगी, ठीक है, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी इसमें इस प्लान में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 129 दे सकते हो तो इससे अच्छा है कि आप अगर आप एयरटेल यूजर हो तो आप 349 दो। अगर आप नए ग्राहक हो शायद कैशबैक भी मिल जाए आपको, ठीक है, 349 वाले प्लान में, तो काफी अच्छा बेनिफिट प्लान आपके लिए रहेगा ये 349। अब बात करते हैं हॉटस्टार वीआईपी की, कि आप हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन कैसे पा सकते हो 1 साल के लिए। तो यहाँ पे भी अभी जस्ट लेटेस्ट एयरटेल ने एक 401 रुपीज का प्लान निकाला है, ठीक है, 401 रुपीज का प्लान निकाला है जिसमें आपको 365 दिन के लिए हॉटस्टार वीआईपी का मेंबरशिप दिया जाएगा। इसके अलावा गाइस, इसके अलावा आपको 3 GB per day नेट भी दी जाएगी 28 दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा नहीं है, ठीक है, सिर्फ 3 GB per day 28 दिन के लिए। अब आप सोचोगे 28 दिन के लिए वैलिडिटी है और मेंबरशिप 365 दिन की, ऐसा कैसे? तो अगर आपका 28 दिन का वैलिडिटी जो 3 GB per day वाला है वो खत्म हो जाए, उसके बाद भी आपका हॉटस्टार जो है वीआईपी कंटिन्यू रहेगा 1 साल तक, मतलब कि 365 दिनों तक। तो ये भी मुझे कहीं से भी खराब नहीं लगा, क्योंकि अगर आप हॉटस्टार वीआईपी खरीदने जाते हो तो करीबन 1 साल की आपको 398 रुपीज लग जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे 3 रुपीज एक्स्ट्रा देकर आपको 3 GB per day 28 दिन के लिए इंटरनेट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसमें क्या बुराई है, क्योंकि इंटरनेट का भी सबको जरूरी है और वैसे भी आपको हॉटस्टार देखने के लिए तो इंटरनेट तो चाहिए ही। तो यहाँ पे काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है एयरटेल वाले ने, ठीक है, 3 GB per day प्लस हॉटस्टार वीआईपी 365। और हाँ गाइस, ये सिर्फ एक ही बार 1 साल में ऑप्ट कर सकते हो इस प्लान को, 401 वाला जो प्लान है वो 1 साल में एक ही बार ऑप्ट कर सकते हो, दोबारा आप इस प्लान को नहीं, अगर रिचार्ज भी करा लोगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ शायद आपको 3 GB नेट दे दी जाए या फिर वो भी नहीं पता, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मे भी कहा गया है कि इसको आप दोबारा 1 साल के अंदर मान लो आप खत्म हो जाता है तो आप दोबारा रिचार्ज नहीं करा सकते हो 401 वाला, ठीक है, ऐसा एयरटेल वालों ने कहा। ऐसा क्यों कहा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन आप सिर्फ इसे 1 साल में एक बार ही प्लान को ऑप्ट कर सकते हो, मतलब कि एक बार आपने 401 का रिचार्ज करा लिया तो आपका हॉटस्टार प्रीमियम हो गया, ठीक है, फिर आप सोच रहे हो कि दूसरा मोबाइल में आप कर लो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक नंबर से आपने हॉटस्टार खरीद लिया एक बार तो वो 365 दिन के लिए रजिस्टर, फिर आप अगले साल खरीद पाओगे, ठीक है, उसी 401 रुपए वाले प्लान। तो गाइस, बस वीडियो में इतना ही था, यही आपको फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है एयरटेल की तरफ से, तो अगर आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, आप अपने दिमाग से सोचो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है ये दोनों प्लान, 349 वाला और 401 वाला। तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए अभी जस्ट, ठीक है, क्योंकि नया नया प्लान आया है तो अभी लॉकडाउन में सब लोग को चाहिए भी, ठीक है, तो बस शेयर कीजिए और चैनल पर नया आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो टाटा बाय बाय, स्टे होम से सेफ।